नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके घर के छोटे बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और इस रेसिपी को आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये आसानी से डाइजेस्ट होने वाली रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे आपका बच्चा टेस्ट लेकर खाएगा और बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो फिर चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, और मैंने इसे अच्छे से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और आप देख सकते हैं हल्की हल्की ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो सबसे पहले हम इसे 1 से 2 बार और अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके लिए बाउल में हम पानी डाल देंगे 1/2 ग्लास के लगभग। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे सेम इसी प्रोसेस से 2 बार वॉश कर लेंगे, और इसका ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने वॉश कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है, और अब हम भीगी हुई दाल को ग्राइंड करेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, और अब भीगी हुई मूंग की दाल को हम जार में डाल देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच पानी और डाल देंगे। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और भीगी हुई दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है, और अब इसे हम एक बार छान लेंगे। तो छानने के लिए थोड़ा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसके ऊपर छलनी लगा देंगे और अब इसे हम छलनी के ऊपर डाल देंगे और इसे चम्मच की हेल्प से ये देखिए इस तरह से हम इसे छान लेंगे। और अब ये जो थोड़ा सा मिक्सचर और बच गया है इसे भी हम छलनी के ऊपर डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, और अब ये जो थोड़ी सी दाल छलनी के ऊपर बच गई है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे आप आटा गूंथते समय काम में ले सकते हैं। और अब इसे हम पका लेंगे। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, तो सबसे पहले हमने ये जो दाल का पानी बनाकर तैयार किया है इसे हम पैन में डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करते हुए डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिला देंगे 1/2 ग्लास के लगभग पानी और ऐड कर देंगे। तो बाउल में ही मैंने पानी डाल दिया था, इसे भी हम डाल देंगे बर्तन में। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे मिक्स करते हुए हम पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो चम्मच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पर लग भी सकता है। तो ये देखिए इस फूड को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये गाढ़ा भी हो गया है। तो इसी समय पर अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पिंच के लगभग नमक। तो अगर आप इस फूड को 10 महीने से छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नमक स्किप कर सकते हैं। 10 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक डाल दिया है मैंने, मिक्स कर लेते हैं इसे और इसे पका लेंगे, और चम्मच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। तो ये देखिए इस फूड को पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपका ये फूड पकते पकते थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तब आप इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब ये हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है छोटे बच्चों के लिए। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो फूड अब हल्का सा ठंडा हो गया है और अब ये बच्चों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये आपके बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर लंच या डिनर में दे सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये फूड बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को ये स्वाद में काफ़ी पसंद आने वाली है, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी क्योंकि हमने इसे मूंग की दाल के साथ में बनाया है। तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।